जहन्नम के औसाफ़ में से एक चीज़ ये भी है कि जहन्नम की गहराई कितनी है और जहन्नम कितना कुशादा है इन जहन्नम की गहराई कितनी है चुनान चेबू सैद खुद रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सलामी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आए आदम तो आदम कहेंगे लब्बिक वसाद एल्ला हाजिर व फरमाइए क्या हुक्म है अल्लाह तआला कहेंगे आदम अपने बेटों में से अपनी औलाद में से तुम जहन्नम का हिस्सा निकालो अल्लाह तबार को ताल से अलैहिस्सलाम कहेंगे कि एल्लाह जहन्नम का हिस्सा कितना है अल्लाह तआला फरमाएंगे हर हजार में से नौ सौ निन्यानबे जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो ऐसा वक्त होगा कि हर जो है जवान बूढ़ा हो जाएगा और हमर वाले की हमल साकित हो जाएगी बहुत ही दहशतनाक मंजर और ख़तरनाक मंजर होगा तो कहने का मतलब यह हदीस सही मुस्लिम की है इससे यह समझने में हमें आसानी होगी कि ज नौ सौ निन्यानबे जहन्म में और एक जन्नत में कितना कुशादा है जहन्नम अल्लाह तबारा से हमें हिफाजत की दुआ करनी चाहिए इसी तरीके से औफ फिर मालिक रिया फरमाए करते हैं कि नबी से इशात फरमाया यहूद इहत्तर फिरकों में बट गए नसारा बहत्तर फिरकों में बट गए मेरी उम्मत तिहत्तर फिरकों पर जाएगी बहत्तर फिरके जहन्नम में जाएंगे सिर्फ एक फ़िरका और एक जमात ऐसी होगी कि जो जन्नत में जाएगी अल्लाह में इब्ने माजा ने सुनने इस तो में इसको रिवायत फरमाया है इसी तरीके से अब कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि अचानक एक धमाके की आवाज़ आई तो लोगों ने कहा कि नबी इसमें ये क्या है तो आपने कहा कि मालूम है क्या है हमने कहा रसूल को ही ज़्यादा मालूम है तो नबी वम ने फरमाया ये एक पत्थर है

साल पहले डाला गया था और वो गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा आज जा के जहन्नम की गहराई को पहुंचा है इसी तरीके से से अल्लाह रवायत है कि अल्लाह के नबी नबीत ने फरमाया कि अगर एक जो है पत्थर जहन्नम में डाल दिया जाए तो उसको गिरने के लिए उसकी गहराई में पहुंचने के लिए सत्तर साल लग जाएंगे तो नदरीन कराम इससे ये भी पता चला कितना गहराई है इसी तरीके से अल्लाह के नबी नबीलात अब हो रहे की रिवायत में फरमाते हैं इन फिन्नारी अब आदा मा मुस्लिम की है कि बंदा कभी कभार ऐसी बात बोल देता है कि उसकी वजह से वो जहनम में मशरक और मगरब की दूरी से ज्यादा गहराई में चले जाता है मशरक और मगरब में कितनी दूरी है मशरक का आगाज़ कहाँ से है और मगरब का इंतहा कहाँ तक है और मशरक मगरब में कितनी दूरी है साइंस हर किस्म की तरक्की को पहुँचने के बाद भी आज इस दूरी को नहीं जान सकी है इतनी दूरी है मशरक़ और मगरब में नबी शु फरमाया एक बात की वजह से आदमी जहन्नम में इतनी गहराई में चले जाता है इसी तरीके से अल्लाह तबारक तौर करीम फरमाया काफ आयत नंबर तीस में यौम जहन्नम हलम तलाती व वलम मजीद अल्लाह ने फरमाया कि हम कयामत के दिन जहन्नम से कहेंगे तू भर गई आपने इससे पहले अदीत सुनी कि एक हजार में से नौ सौ निन्यानबे जहन्नम में जाएंगे एक जन्नत में जाएगा उसके बाद अल्लाह ताला जहन्नम से कहेगा तू भर गई जहन्नम कहेगा क्या और है और कुछ है और ज्यादा लाओ जहन्नम की कुशादी कितनी है इसी तरीके से मालिक रज़ी अल्लाह अनुमालिक से मरफूअन रिवायत है कि ला तज़ालु जहन्नम हल मिन मज़ीद जहन्नम बराबर यही कहती रहेगी कि और लाओ और डालो और डालो हमारे अंदर हत्ता हतारद इज़्ज़ती का बाज़ुहा इला बाज़ सही मुस्लिम की रिवायत है कि अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम बराबर कहेगी और डालो और

जहन्नम को उससे बाधा गया होगा और उन लगामों को खींच करके जहन्नम को लाया जाएगा अल्लाह के नबी व फरमाते हैं कि माकुल जमामिन सब ऊन अल्फ मलक या जो रूनहा हर लगाम के साथ सत्तर हज़ार फरिश्ते होंगे जो इसको खींचते होंगे सही मुस्लिम की यह रिवायत है तो नाजरिन कराम इससे हमें यह पता चला कि जहन्नम की गहराई कितनी ज़्यादा है और जहन्नम कितना गहरा है इससे अल्लाह तबार को से पनाह मांगना चाहिए ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें